नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टाइक्योमेट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। जब हम किसी बाजार में जाते हैं और कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को हम किसी निश्चित मूल्य या स्टैंडर्ड वैल्यू में नापते हैं। जैसे अगर हम केला या बनाना खरीदते हैं तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं, मिल्क यानी दूध खरीदते हैं तो उसे हम लीटर में नापते हैं। पर क्या आप इन दोनों पदार्थों के इनके कणों के संख्या पे नाप सकते हैं? आइए इसे विस्तार से जानें। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक प्योर गोल्ड यानी प्योर सोने का है। क्या आप इस सोने में कितने कणों की संख्या है बता सकते हैं? आपके मुताबिक यह संख्या को गणना बहुत ही मुश्किल है, पर रसायन विज्ञान ने इसको आसान बनाया है। आइए जानते हैं कैसे। रसायन विज्ञान में हम मोल की गणना करते हैं कणों की संख्याओं को मापने के लिए। एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है। इन कणों की संख्या को अवोगाड्रो स्थिरांक यानी अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आइए इस अवोगाड्रो स्थिरांक के बारे में जानें। अवोगाड्रो स्थिरांक या अवोगाड्रो संख्या कणों की उन संख्या को बोलते हैं जो पदार्थ के एक मोल में मौजूद होती है। इसे हम Na से लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, यह संख्या अमेडियो एवोगाड्रो जो कि एक वैज्ञानिक थे उन्होंने दी थी। हम अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान दो तरीकों से नापा जाता है। पहला है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है मोलर द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यह एक कण का द्रव्यमान होता है। और मोलर मास या मोलर द्रव्यमान 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कणों यानी एवोगाड्रो संख्या के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यह कण दो तरीके के भी हो सकते हैं, तो मोलर द्रव्यमान को भी दो भागों में बांटा गया है। मोलर द्रव्यमान दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यह तब यूज किया जाता है जब ये कण एक परमाणु हो। इसको हम GAM भी लिखते हैं। और अगर एवोगाड्रो परमाणु एक अणु हो यानी मॉलिक्यूल हो तो हम इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। इसे हम GMM भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने दोनों द्रव्यमानों के बारे में जाना।
आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन जिसे हम O से लिखते हैं, आपने कई जगहों पे इसका द्रव्यमान दो तरीकों से देखा होगा। इसे हम 16U भी लिखते हैं और इसे 16g भी लिखते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? 16U होता है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, और 16g होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास, जिसे GAM भी कहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया टेबल कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है, यह आप लिख सकते हैं। एक मोल को परिभाषित करने के लिए बहुत तरीके दिए गए। स्क्रीन पे दिया गया टेबल उन सारे परिभाषाओं को एक टेबल फॉर्म में लिखता है। आइए इसे एक एक करके विस्तार से जानें। यदि हमें एक मोल को एक परमाणु पदार्थ के लिए परिभाषित करना हो, तो इसको हम परिभाषित करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान भाग ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से हम एक परमाणु पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को परिभाषित करते हैं। यदि हमें एक मोल की परिभाषा एक आणविक पदार्थ के लिए देना हो, तो इसका फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान और भाग करेंगे इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम एक आणविक पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। यदि हमें कुल दिए गए कणों की संख्या दी हो, उसमें हमें मोलों की संख्या को परिभाषित करना हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलों की संख्या बराबर दिए गए कुल कणों की संख्या और उसे एवोगैड्रो संख्या से भाग करेंगे। जैसा हमने अभी पढ़ा, एवोगैड्रो संख्या होती है 6.023 × 10³। इस तरीके से हम मोलों को कई तरीकों से परिभाषित करते हैं। अब हम अपने एक प्रश्न पे आते हैं। क्या आप बता सकते हैं 398g सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोलों की संख्या होगी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या आप इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दिए गए तत्वों को उनके नंबरों से और उनके परमाणु द्रव्यमान से गुणफल का योग करते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। जैसा कि H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, तो 2 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 क्योंकि एक ही सल्फर है, इनटू सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, और प्लस 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, इनटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो सारी वैल्यूज को रखकर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान आया 98g/mol। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियोस में जाना था। आइए अब इसमें हम मोलों की संख्या को ज्ञात करें।
जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान से भाग करेंगे। वही फॉर्मूला हमने इस प्रश्न में यूज करा। इस प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान है 398 ग्राम, यानी W हुआ 398 ग्राम और M यानी आणविक द्रव्यमान हुआ 98 ग्राम पर मोल, जैसा हमने पिछली स्लाइड में निकाला। जब हमने इन सारी संख्याओं को इस फॉर्मूले में रखा तो आंसर आया 4.061 मोल, यानी 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड में 4.061 मोलों की संख्या है। इस तरीके से हम किसी भी अणु के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। मोल संकल्पना के बाद अपने दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और उत्पादों यानी प्रोडक्ट के संबंध का उपयोग मात्रमक यानी क्वांटिटेटिव डाटा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक रिएक्शन से समझें। स्क्रीन पर आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को देख पा रहे हैं। इसमें हमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट दिख रहा है, जो कि पर्पल रंग से है, और उत्पादक यानी प्रोडक्ट दिख रहा है, जो कि लाल रंग है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिससे हमें एक बैलेंस फॉर्म मिले। इस केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया में आप देख पा रहे हैं, सोडियम से पहले लगा हुआ 2, HCl से भी पहले लगा हुआ है 2 और NaCl से पहले लगा हुआ है 2। इन गुणांक को हम स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। आइए स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक या स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की परिभाषा को जानते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक रासायनिक प्रतिक्रिया में यौगिक से पहले प्रति संख्या को कहते हैं। यह गुणांक हमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। अगर इसे रासायनिक प्रतिक्रिया की भाषा में कहे तो दिए गए रासायनिक रिएक्शन में ए बी सी डी ए स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होते हैं। इस तरीके से हमने स्टाइक्योमेट्री के बारे में जाना। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, हमने स्टाइक्योमेट्री के बारे में भी जाना। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। अगली वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। थैंक यू।